देखो मेरी एक गल चंगी तरह समझ लो, मैं 11 अगस्त नूं सीएम साहब नूं चिट्ठी लिखी सी, उस तो बाद मैं उन्होंने एको गल कही सी कि कैप्टन साहब तुसी मलेरकोटला ज़िला बनाया बहुत अच्छा कीता है, बट 150 पिंड बटाला जिहड़ा 500 तो वध पिंड इहदा पहले दा हक है। असी बॉर्डर ते बैठे हैं, बॉर्डर दे लोकां नूं डिवेलपमेंट का मौका बहुत घट मिलता, इंडस्ट्री इतने घट आती है, तुसी बैटर एडमिनिस्ट्रेटिव इतने जे लोगों एडमिनिस्ट्रेशन के नज़दीक लैके जाना या एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के नज़दीक लैके जाना तो बड़ी देर की मंग है। अंग्रेज़ों की की हुई गलती तुसी रीराइट कर सकते हो, इनू गलती सुधारन का असी क्यों आस कर रहे हैं कैप्टन, क्योंकि कैप्टन साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ने, मिलिट्री हिस्टोरियन ने, इतिहास की वो बहुत चंगी तरह जानकारी। दूजी गल पहली पातशाही ना जुड़े, छेवीं पातशाही आए, पहले पातशाही आई, अक्षरधाम मंदिर सारा कुछ इतने इतने है, तो असी मैं उन्होंने यही बेनती की थी कि दसवीं पातशाही के आशीर्वाद ना तुहाड़ी पटियाला रियासत बनी है। लोगों को आस उम्मीद है कि तुहाडे वर्गा प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर जिहड़ा वो बटाले नाल जस्टिस करेगा। मैनू पूर्ण आस है, उन्होंने अपने बयान में भी किया कि असी इहनू बड़ा सीरीयस, इट इज़ अंडर सीरीयस कंसीडरेशन, तो मैनू आस है कि अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत जल्द ये जिहड़ा एक चंगा फैसला पंजाब बटाले दे लोकां दे ते स्पेशली बटाला ज़िले का जिन्ना आला दुआला एरिया वो मुताबक ये एक अच्छा फैसला जिहड़ा इलैक्शन तो बाद तो कोई भी नहीं करता होंगे, जो होना ही पहले होना है, इलैक्शन तो बाद करने करना होंगे, इलैक्शन तो पहले ही सारा कुछ। सर जो वकील गुरदासपुर के विरोध करते पे, कुछ कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे पे, उन्होंने की कहना चाहोगे? देखो मेरे भरा ने सारे, डेमोक्रेसी के हर बंदे नू हक है अपनी गल कर, कोई खुशी बना पैंदा ठीक है, गुरदासपुर वालों की भी कुछ उन्हों का अपना नजरा नज़रे हों जिस अपना व्यू पॉइंट हों, उन्हों का अपना होएगा, मैं किसी बंदे ते किंतु परंतु नहीं करना चाहवागा। मैं आप होएगा जी कुछ, हाँ जी देखो मैं कुछ नहीं, मैं एक्सपैक्ट करना कि जरूर करना चाहिए 13 नूं होएगा तो 10 दिन बाद हो जाएगा, नहीं तो 15 दिन बाद होएगा। भाई भाई किसानों गल करिए, जी 40 रुपये कणक की MSP बताई है, किस तरीके दे रही है? देखो मैं समझना मैं प्राइम मिनिस्टर साहब न सीधी अपील करूँगा, इन्ना वड्डा संघर्ष चल रहा किसानी का, मुजफ्फरनगर च 15 to 20 lakh किसान इकट्ठा होया, करनाल की घेराबंदी हुई है, तुहाडे बॉर्डर ते पिछले 9-10 महीने के किसान बैठे ने, तुसी कहिंदे हो असी 1.5 गुणा तुहाडी आमदन वधावांगे, 40 रुपये तुसी वधाओ, ये तो 2% इनक्रीज़ है, घट तो घट ये असी मंगते सी कि 250 to 300 रुपये की इनक्रीज़ होनी चाहिए। जिस हिसाब नाल अज तुसी डीजल दी कीमत वेखो डबल हो गई, तुसी पेस्टिसाइड दी कीड़े मार दी कीमत वेखो, तुहाड़ी खाद दी DAP डबल हो गई, तो जिहड़ी इनपुट कॉस्ट इन्नी वध गई ने 40 रुपये तो मजाक है, कुछ मजाक है, ये जख्मां ते किसानां दे जख्मां ते नमक ना चढ़े। किसान जथेबंदियां ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिन्हें भी राजनीतिक पार्टियां ने वो अपनी रैलियां चोणां अनाउंस होने तो पहला ना करन, उन्हां नूं रोक दिता जाए। बड़ी अच्छी गल है, असी रैली तो कर ही नहीं रहे, तो घरां च मीटिंग है, उन्होंने ये नहीं किया कि आप लोगों राबता छड़ दो, उन्होंने कहा वड्डियां रैलियां ने करो, इस गल करनी असी पहले ही छोटे फंक्शन जिहड़े ने घर तो राबता, मैं तो अपने परिवार के जीआं नूं मिल रहा, बटाला साडा अपना परिवार है, जे कोई खुशी नाल कोई चाह ते सद रहा, कोई दोपहर के खाने पर सद रहा, तो घर जिस तरह तुम मेरा परिवार हो, तुहानूं मैं लंच ते सद्दिया जी, रैली होंगी जी 5-7-10 हज़ार का वड्डा कट हों, मैं एग्री करना, किसान जथेबंदियां जो कहेंगे असं उ करा। देखो मेरी बेनती सुन लो, प्रताप सिंह बाजवा लड़ेगा गुरदासपुर ज़िले तो, ये मैं तुहानूं क्लीयर कर दिता, मेरी मिसिज सोनिया गांधी जी ना, राहुल जी ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह सारे ना गल हो चुकी है, हुण कित्थे लैंड कर दे ते पार्टी हाईकमांड ने वेखना, तो तुसीं सैने हो अगे जी, जदों चौपर किसी एरिए ते फलाई करदा है तुहानूं असैसमेंट ला लैनी चाहिए कि किहड़े एरिए ते रैकी कर रहे हो। देखो बेनती मेरी सुनो, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, एक मिनट, फतेहगढ़ चूड़ियाँ मेरे वड्डे भाई सतरपत रजिंदर सिंह जी दे एरिया, वो साडे कैबिनेट मिनिस्टर ने, मैं उन्हां दी बहुत इज्जत करना मान करना, क्योंकि बाजवा परिवार एक परिवार, वो अपने एरिए तो फतेहगढ़ चूड़िया तो क्लीयर कर बैठे ने कि उही लड़न गए, तो असी भी सारे उन्होंने सपोर्ट से आवेंगे,
तो इस गल कारण ये कोई किंतु परंतु नहीं, वी विल फाइट एज वन। चौपर तुहाडा फिर बटाले उड रहा जी, फिर अश्विनी सेठ जी कित्थे जांदे नहीं नहीं से अश्विनी साडा छोटा वीर चौपर दा ते अजे रैकी कर रहे अजे रैकी कर रहे अजे लैंड किते नहीं कीता। चल अश्विनी सेठ जी ने मेरी एक इंटरव्यू च कहा मेरी ओ छड लो अश्विनी मेरा छोटा वीर आपां छड लईए इन्हां गल्लां नूं, ओदा भी ध्यान करना मेरा काम है। पिछली दो बार टिकट मैं अश्विनी जी नूं दवाई है, ऐतकी भी उन्हां दा एडजस्टमेंट उन्हां दे कद मुताबक उन्हां दी पार्टी दी वेखो यार मेरे मूँह में सवाल ना पाए जाए, जे तो आप करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए, जे करनी शरारत फिर तुम मर्जी करो। मैं नहीं क्या एडजस्ट करांगे, मैं उन्हां दे कद मुताबक उन्हां दी एडजस्टमेंट होएगी। बाजवा जी बीजेपी के जो पंजाब प्रधान ने उन्होंने अब फिर एक गल का बयान दिता होया कि जरा किसानी अंदोलन आ वह कांग्रेस की विरोधी पार्टियां की सोची समझी साजिश देखो बीजेपी जो मर्जी कहती रहे छोटे भी बीजेपी जो ये जड़े काले कानून लैके आए ने ये भाजपा लियाई कि ओपोजिशन वाले ने किया जदों ये लैके आई वो विरोधता हो रही है समुचा किसानी जगत।